सो इस बार टेक्नो गेमर्स की टीम इस प्रकार की दिखेगी आपको, आ रही है टीम वेनम। तो देखते हैं टीम वेनम के प्लेइंग सेवन में कौन कौन है। 3, 2, 1 एंड द मैच इज ऑन। एक सॉलिड डिफेंस। नाउ द कैप्टन इज हियर और मुझे लग ही रहा था कि प्रेशर रिलीज करने का मोमेंट आ रहा है, या विकेट मिलेगा। शॉट एंड लेग साइड में एकदम स्क्वायर। कमाल के कंटेंट क्रिएटर्स फेसिंग ईच अदर और एक और बड़ा छक्का, एक और ये हमारी और तरफ, ये हमारी तरफ। और यहां पर थोड़ा सा एज देखने को मिला जोनाथन के पास, एक रन आउट का मौका। क्या सौरभ त्यागेंगे? नहीं, द कैप्टन इज आउट एंड व्हाट एन अनफॉर्चुनेट वे टू लूज हिज विकेट। रन आउट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे और सब लोग आके सेंड ऑफ करते हुए बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह ही आउट हो गए कि खूब सारे रन्स बनाए सौरभ। आई थिंक टेक्नो सोच रहे डीआरएस लेने का, उन्होंने डीआरएस ले लिया। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट कॉल। तो आपको ये बता देते हैं जल्दी से डीआरएस का क्या मतलब है। यहां पर टेक्नो ने चैलेंज किया है इस विकेट को, यानी कि आपको गेम मास्टर जेडी के साथ रॉक पेपर सीजर्स के 3 राउंड खेलेंगे एंड अगर वो जीतते हैं यानी कि गेम मास्टर जेडी को हराते हैं तो ही रॉक पेपर सीजर गेट्स टू बैट अगेन। एंड मैं सब लोगों को याद दिला दूं जो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक इनिंग में एक बारी टीम ले सकती है बैटिंग टीम। रॉक पेपर सीजर 1 point टू मी। रॉक पेपर सीजर 1 all। टेक्नो कि टेक्नो लिव्स अगेन डीआरएस का पूरा फायदा उठाते हुए और जोनाथन बिल्कुल नाराज होते हुए कि ये क्या रॉक पेपर सीजर है यार। डीआरएस पिछले साल के एमवीपी, बहुत ही बढ़िया ड्राइव एंड और टेक्नो ने 25 रन बनाए हैं और ये करण ने ड्रॉप कर दिया और इसके साथ उस घाव पे और नमक छेड़ते हुए कि वो बॉल चौके के लिए चली गई और ये चौका कमेंटेटर्स की तरफ। शॉट, ये तो बहुत ही बड़ा छक्का मारा है। शॉट, हर बॉल पे करारा 6 ही आ रहा है और यहां पर एक कैच का मौका मिजो के पास लेकिन शायद ये एक और छक्का है। बिल्कुल है और यहां पर एक कैच का मौका वेनम के पास एंड ही ड्रॉप्ड इट। शायद सौरभ के लिए अच्छा टाइम क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा छक्का मार दिया है। सौरभ भी अपना रिप्ले देखकर खुश और ये तो बहुत ही बड़ा छक्का। दिस इज एक्चुअली आउट ऑफ द स्टेडियम। नया बॉल लाओ भाई, व्हाट टू डू। और विली ने कोशिश पूरी की, यहां पर डाइव अपना पूरा दिया यहां पर। सॉफ्टी, ही इज अ क्यूटी एंड यहां पर कैच का मौका एंड सेफ हैंड्स। डॉबी हैज गॉट द फर्स्ट विकेट। डॉबी ने पता है कैच को पकड़ा क्योंकि डॉबी को आदत होती है सॉक्स पकड़ने की, तो जैसे ही उसने देखा कि मास्टर मेरी तरफ कुछ फेंक रहा है मैं उसको छोड़ नहीं सकती और उन्होंने फटाफट बॉल पकड़ा और बोला आई एम फ्री। और एक कैच, मिजो इज ऑन अ हैट्रिक। अमेजिंग उनका लो बाउंस is fooling the batters. Your Willy Gaming, the confidence dekhiye team mein. High fives all around. Raka zone is now. And Raka zone ne ek bahut hi badhiya placement karte hue chauka mara hai. Aur ye call aur yahan par ek aur mauka shayad ek thoda sa banta hua dikha. Shayad oh! Ye ek dropped chance lekin what an over. और ये 50 पूरी होते हुए सौरभ की, नहीं मैं 189 की। ये स्ट्रीकर भाई, आगे भाई। स्ट्रीकर आगे पकड़ो, हेलो पकड़ो, गिराओ इनको, सिक्योरिटी। ठीक है, बैट लेने आए, अच्छा सेल्फी चाहिए। एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज द रेड बुल शोडाउन। और एक बहुत ही करारा शॉट, प्लेस सो वेल, और एक बहुत ही बढ़िया शॉट नेक्स्ट बॉल को अटैक करने के लिए और उसी के साथ एक और 6
और ये तो हमारी तरफ से एकदम हवाई यात्रा के साथ ये बॉल, बट ना बैटिंग का तभी पता चलता है जब दोनों टीम एक बारी कर लेती है। और इसी के साथ एक और, ये शायद थोड़ा सा फास्ट लेकिन ब्यूटीफुली ग्लाइडेड, और ये एक स्लोअर डिलीवरी लेकिन द मैक्सिमम, और एक और, और ये बढ़िया गैप, एक और चौका। 87 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, और ये हमारी तरफ बॉल आते हुए एक शानदार चौका, और प्लेस किया इसको लेग साइड में। फोकस इंडिया ने पूरी कोशिश की लेकिन दैट वाजंट इनफ, आई थिंक टेक्नो टीम में। और ये रन भागा और राका ने अपनी विकेट सैक्रिफाइस करी, ये तो सही चीज थी करने की, सौरभ के लिए बनता था ये, उन्होंने टीम को अकेले 200 रन के पार डाला है। और ये बॉल आई, चौका है, बिल्कुल चौका है, एंड इसी के साथ सौरभ gets the first century at Red Bull Showdown, ladies and gentlemen. और एक थोड़ी सी लूज डिलीवरी, लेकिन सिर्फ एक ही रन, लेकिन रन आउट का चांस यहां पर। ओके, अंपायर ने बोल दिया है कि इसको कैमरा से डिसाइड किया जाए, आउट। बट व्हाट एन इनिंग्स, वेनम को चाहिए 232 रन इन देयर 10 ओवर्स। अच्छा हुआ उन्होंने इसके बाद हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला। और पहली ही बॉल पर रन आते हुए, सवा साल से जानता हूं लेकिन इस समय सबको चुप कर दिया है। और एक और छक्का यहां विल्ली के बल्ले से, और ये स्लोअर बॉल, बट विली ने आराम से उसे पढ़ा, और ये पहली विकेट, बॉल का बिल्कुल बहुत ही नीचा बाउंस था। ऑलराइट, डीआरएस ले लिया गया है, यानी कि स्टोन पेपर सिजर्स का एक बढ़िया सा गेम। रूल्स को वापस समझाते हुए, स्टोन पेपर सिजर, स्टोन पेपर सिजर, इसका ये मतलब है कि विली हैज टू गो, और ये बॉल हवा में खड़ी कर दी है करण ने पहली बॉल पे, टेक्नो नीचे, और ये छूट गई उनसे, और ये हमारे सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का, और ये मौका लॉल्स के पास एक था छोटा सा मौका, एक बहुत ही, एक ही वाइड डली है सिर्फ, और दूसरी विकेट जिसके लिए टेक्नो अपने आप को लेकर आए थे, कैप्टन कैप्टन को आउट करते हुए। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा झटका टीम वेनम को, फर्स्ट बॉल जोनाथन इज आउट, कॉल यहां पर नकार दिया जेडी ने, और इसको अच्छी तरह प्लेस करते हुए एक चौका मिला है, और ये तीसरी विकेट बाय टीम टेक्नो, कमेंटेटर कर्स दोबारा काम करते हुए। बहुत ही बढ़िया शॉट, अ पावरफुल शॉट, और ये यहां पर बॉल को उठाया है लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में लॉल्स ने, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है मिजो ने, पावर ओवर लिया है इस बार टीम रेड ने। अभी मिजो को यहां पर एक तरह से कमिंस का रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये कैच है, और लेकिन ये तो ड्रॉप है, पीक आवर है इस समय फ्राइडे, और ये हमारी तरफ बॉल आई, और ये तो बहुत ही शानदार चौका, एकदम करारा, और ये एक गैप में चौका मारा है बहुत ही बेहतरीन, और एक और छक्का, और एक और ग्लाइड करते हुए चौका मिला है इनको, और ये सीधा हाथ में, एंड इसी के साथ ये मैच हुआ समाप्त, ये चैलेंज हुआ समाप्त, ये रिवेंज हुआ समाप्त। टेक्नो चाहते थे यही रिजल्ट मिले, एंड टेक्नो को वही रिजल्ट मिला। लास्ट ईयर जीते थे वेनम विद अ ह्यूज मार्जिन, एंड इस बार हिसाब बराबर किया टेक्नो ने, जीता विद अ ह्यूज मार्जिन। टीम टेक्नो गेव अस द विनर्स। बदला लिया, बढ़िया गेम खेला, एंड जीत चुके हैं the amazing players of Team Techno, the winners of this year's Red Bull Showdown.